नाहन शहर में इन दिनों ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई है और शहर में लगातार जाम की स्थिति बनी है। बता दें कि नेशनल हाईवे शिमला कालका भारी बरसात के बाद हुए भूस्खलन के चलते अवरुद्ध है, जिस कारण यातायात नाहन कुमराहटी नेशनल हाईवे पर डाइवर्ट किया गया। इस कारण नाहन शहर की सड़कों पर यातायात का भारी दबाव है। हालांकि पुलिस विभाग के कर्मचारी शहर से गुजरने वाले यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सड़कों किनारे पार्क किए जा रहे वाहनों के चलते जाम की स्थिति पैदा हो रही है। बीती रात भी शहर की सड़कों पर कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। शिमला चंडीगढ़ और जो चंडीगढ़ शिमला मार्ग है वो लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गया है, जिसकी वजह से जो है सारा ट्रैफिक जितना भी है चंडीगढ़ है हरियाणा पंजाब शिमला जाने वाला है या अपर एरिया में जाने वाला है या ऊपर से जो नीचे जाने वाला ट्रैफिक है वो सारा बाया नाहन आ रहा है, जिसकी वजह से जो है नाहन शहर के अंदर बहुत जाम लग गया है। ये 8:30 बजे से लेकर के लगा और कंटिन्यू जाम लगा और कई किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है, जिसमें हम लोग भी जो है 8:30 बजे से लेकर के अभी जो है 11:15 बज गए हैं रात के, अभी हम भी कंटिन्यू जो है पुलिस प्रशासन और इनका सहयोग कर रहे हैं और पुलिस भी इसमें मुस्तैदी से काम कर रही है। आगे 2 सड़का तक, ऊपर वाले 2 सड़का तक भी और निचले वाले 2 सड़का तक पुलिस जो है काम कर रही है और ये 1-2 दिन और रहने वाला है इस तरह का जाम नाहन शहर में, क्योंकि जो शिमला सोल आपका चंडीगढ़ मार्ग है इतने जल्दी ठीक नहीं होने वाला है, 1-2 दिन इसमें लगेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से दलीप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।